ये इत्थे रण के बाग दे जी 15 बड़ा एक नंबर कोठी दे विचों ते इन्हां नूं रात 10 बजे उन्हां नूं खड़ा इन्हां दे इन अशोक कुमार जी हन वो बीमार हन पहलां ही ते उन्हां दे जो चैक चुक कीता ते उहदे पॉजिटिव आया उहदे संबंध विच घर दे मैंबरां दे टैस्ट करवाउण वास्ते उन्हां नूं डॉक्टरां दी टीम आई है ते होस्पिटल टैस्ट करवाउण वास्ते लै के चली। सर किन्ने मैंबर है? 8 मैंबर ने जी। टैस्ट इन्हां दा वी कराउणा पैणा ना क्योंकि इकट्ठे रहे ने। उन्हों का छोटा बेटा इन्हों को थले रहिंदा सी पहला 2-3 जिदा का बीमार हो गया ही कभी उत्ते थले जांदा सी ते शक दे आधार ते फिर हुण इन्हां दे टैस्ट हो जाणगे ते बड़ी वधिया गल है। सर ये बाहरों आए आ कि नहीं? नहीं इत्थे रहिंदे ने जी। इन्हां दी दुकान है कटड़ा शेर सिंह ते एक इलैक्ट्रीशियन की दुकान इहदे भरा दी वह भी कटड़ा शेर सिंह ही है। फ्रिजां फ्रुजां का टीवी टूवी का काम करता पर दुकान आते 2 महीने खोली नहीं तो कभी गए नहीं दुकान ते बीमार जिहा हो गया तां दर्द जी हुंदी सी दवाई दवूई खांदा सी तो बाद दे विच चैक कराने वास्ते हॉस्पिटल गए तो मुड़ के शक दे आधार ते फिर उत्थे डॉक्टर टैस्ट किया तो वो पॉजिटिव आ गया तो उहदे आधार ते हुण इन्हां दे टैस्ट करवाउण वास्ते क्यों घर दे विच सारे मैंबर इकट्ठे रहिंदे आ कोठी तो सारिआं नूं टैस्ट करवाउण वास्ते टीम हुण लै के गई है। ते सर अपना नाम की है? इह निर्मल सिंह चौंकी कोर्ट कंपलैक्स चेरी चौंक। देखिए एक्चुअली हमारा पड़ोस भी है, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं ये, तो पता चला रात को ही पता चला। पहले इनको थोड़ा सा बुखार वगैरह था, वो भी आज ही कल ही पता चला कि इनको बुखार वगैरह चढ़ रहा था। कल इन्होंने करवाई है रिपोर्ट तो वो लड़का पॉजिटिव आ गया। तो मैडम ये इलाका कौन सा है? ये इलाका जी रानी का बाग अमृतसर कॉलेज लेन है ये हमारी। कहीं पर दहशत का माहौल बना हुआ है? देखिए जी लोग थोड़ा डरते तो हैं ही ऐसा माहौल देख के, सब लोगों को आप देख ही रहे हो, सब लोग अंदर हैं। वैसे भी हमने सबको बोला ही हुआ है प्रिकॉशंस लेने के लिए, और हमने सैनिटाइज़र वगैरह को मंगा के गाड़ी मंगा के सारा अपना ये वाली गली भी पूरी सैनिटाइज़र करवाई है, उनका घर भी सैनिटाइज़र करवा दिया है। और लोगों को बोला हुआ है कि आप जितना हो सके अपने काम से काम रखो, मतलब रखो, अपने अंदर रहो, बाहर ऐसे ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। अमृतसर में 4 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और 3 जो हैं गुरदासपुर में हमारे अमृतसर अजनाला के मरीज थे, वो वहाँ भर्ती हुए थे, वो ठीक हो के जा चुके हैं। सर ये जो रानी के बाग जो मरीज हैं तो वो कैसे पता चला उनके बारे में? इन्होंने प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाया था, वो रात को रिपोर्ट आई थी कि जो रानी बाग में कोई शो करोड़ा है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, और एक पठानकोट से था पारुल महाजन वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो सर इनकी फैमिली को भी लेके गए? नहीं, इन दोनों को यहाँ आइसोलेशन सेंटर गुरु नानक देव हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है, बाकी जो इनकी फैमिली के कॉन्टैक्ट्स हैं वो ट्रेस करके उनके सैंपलिंग करवाई जाएगी। सर ये आपको लगता नहीं है कि जो लॉकडाउन खुल चुका है तो पंजाब में खतरे की घंटी बज चुकी है? हाँ, लॉकडाउन खुलने से लोगों की जो इंटरमिक्सिंग हो रही है उससे केस बढ़ने की संभावना है, और धीरे धीरे पता लगेगा कितने केसेस और बढ़ेंगे। शंकर मालीराम केडिया जी ने और एक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।